Hey guys, Ahd-e Wafa की थर्ड एपिसोड आई संडे को. Ahd-e Wafa जब स्टार्ट हुआ था तो पहले एपिसोड पे आई थिंक मैंने काफ़ी बोला था, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ Ahd-e Wafa मैंने स्टार्ट किया, लेकिन पहले एपिसोड में मुझे थोड़ा सा आई वॉज डिसअपॉइंटेड. आई फाउंड इट टू बी वेरी इमेच्योर. मुझे लगा थोड़ा सा बचकाना है, उसका कॉमेडी बेहतर हो सकती थी. सेकेंड एपिसोड थोड़ा सा मेरे लिए बेहतर हुई, लेकिन सवाल ये कि मैं फिर भी क्यों देखती रही, क्योंकि एक तो मुझे ड्रामा रिव्यू करना होता है, लेकिन दूसरी वजह थी इतनी बड़ी कास्ट है एंड आई वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आगे जाके कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा. फिर थर्ड एपिसोड थी और ऑफकोर्स वो देखनी थी. थर्ड एपिसोड के मिडल तक भी हम सही थे. मुझे थोड़ा सा मज़ा आने लगा. अलीज़ा शाह आई, अलीज़ा शाह को वो छेड़ने जाते हैं. अहद और अलीज़ा शाह की लव स्टोरी का इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया. फिर उसमें वो उस्मान खालिद भट्ट और अली अहमद जो हैं वो जाते हैं और वो अलीज़ा शाह को थोड़ा सा यू नो टीज करते हैं. उसमें अहद भी आ जाता है और उसी वक्त पुलिस आके उनको पकड़ लेती है. वो लोग तो भाग जाते हैं, बट अहद ज़मीर को और अलीज़ा शाह का जो कज़न है उनको पुलिस लेके चली जाती है. फिर वार्डन साहब आते हैं और अहद ज़मीर को छुड़ा के वापस लेके जाते हैं. यहाँ से स्टोरी में रियल ट्विस्ट आया. अभी तक मैं वेट कर रही थी, लाइक हाँ इंटरेस्टिंग है, ओ अब तो इनको जूते पड़ने वाले हैं, अब तो ये होगा. लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ, दैट वॉज अ शॉकर एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट के इतना लाइट हार्टेड जाते जाते ड्रामा एकदम से इतना सीरियस हो जाएगा. यू नो लाइक इट टुक 5 मिनट्स एंड कहाँ आप हंस रहे थे, आप यू नो मजाक कर रहे थे एंड यू लाइक हाँ दिस इज़ अ नाइस सीन, इसमें मज़ा आ रहा है एंड एकदम से यू लाइक आप सुबह पर उठ के बैठ गए, यू लाइक ओह गॉड ये क्या हो गया, यू नो ये क्या हो रहा है. फिर बेसिकली वो क्या करते हैं कि वार्डन जो है वो उस बात को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़ा शाह के पेरेंट्स, अलीज़ा शाह की जो फैमिली है वो आके कॉलेज में कंप्लेन करती है और कहती है अगर आपने एक्शन लिया तो हम एक्शन लेंगे. उसकी वजह से कॉलेज को उन चारों के पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि ये हुआ है. अब उन्होंने दिखाया कि हर किसी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड दिखा के कि उनके पेरेंट्स कैसे आ रहे हैं. एंड देन स्टार्ट्स द मोस्ट इमोशनल रोलर कोस्टर जब अहद ज़मीर के फादर आते हैं एंड यू एक्सपेक्टिंग उन पर चीखेंगे, वो चिल्लाएंगे या उसको एक थप्पड़ भी लगा देंगे जिस तरह उन्होंने उसका फराज का इमेज बिल्टअप किया है. बट ही कम्स एंड ही सेज ओनली टू लाइन्स के तुम्हारी बहन का कद मेरे जितना हो गया. और वो कंधा और वो सीना उछला और वो बड़ी प्राउडली वॉक करती है कि मेरा एक बड़ा भाई है और देखो कि तुम उसका बड़ा भाई कैसी हरकतें कर रहा है. और उस पर अहद ज़मीर जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं. आई थिंक वो वर्ड्स जो थे वो बहुत इम्पैक्टफुल थे और इतनी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है, वो डायलॉग इतने अच्छे लिखे गए हैं कि कोई भी उनको सुने तो इट विल टच योर हार्ट. एंड अहद ज़मीर डिड एन अमेजिंग जॉब एट दैट पॉइंट वेयर ही इज क्राइंग एंड उसको वापस को बोलता है कि ऊपर देखो और वो नहीं देखता है. वो कहता है तुम ऊपर देखो, मेरी आँखों में आँखें डाल के देखो. वो इतना पावरफुल सीन है कि यू लाइक आप अंदर से हिल जाते हैं, इट टचेज यू. और उसके बाद फिर उन्होंने उस्मान खालिद भट्ट का दिखाया. उनका अभी तक वो दिखा रहे हैं कि उनके अब्बा भी उतने ही बिल्कुल केयरलेस और बिल्कुल ही केयरफ्री हैं और वो किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते. थोड़ा सा वो मुझे डिस्टर्बिंग लगा. फिर उन्होंने वहाज के दिखाया. आई थिंक उनकी, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ सकी कि वो उनकी माँ या बहन, आई थिंक दैट्स हर सिस्टर. वो आती हैं और वो वहाज को जो टाई लगाती हैं, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों है और वो क्यों आ रही है. बट आई थिंक अगर आप इतनी ज़िंदगी में मुश्किल से गुजरे, आपने अपने बच्चे को या अपने भाई को कितनी मुसीबतों से पाला है और फिर पता चले कि उसको पकड़ा गया है कि वो एक लड़की को छेड़ रहा था, तो इमेजिन करें कि आपका क्या हाल होगा. तो आई थिंक वो जो उन्होंने दिखाया वो बिल्कुल जस्टिफाइड था. लाइक वो रोई जा रही थी, और मेरे दिल को कुछ हो रहा था जब वो औरत रोई जा रही थी, क्योंकि उसकी बहन जब रोई जा रही थी बिकॉज इट जस्ट शोड कि वो लोग अंदर तक सारी फैमिलीज हिल गई हैं. सो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एकदम से Ahd-e Wafa, जिसको हम लोगों ने एक्चुअली नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया था, लाइक अच्छा अगली शायद 10-15 किस्तों के बाद कुछ ऐसा होगा जब शायद अहद ज़मीर आर्मी में चला जाए कि हमारा उसमें यू नो इंटरेस्ट दोबारा आएगा. लेकिन इस थर्ड एपिसोड के लास्ट 15 मिनट डिड समथिंग विच आई थिंक हैज़ ब्रॉट एवरीबडी बैक टू Ahd-e Wafa. और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी कि उन्होंने दिखाया कि एक छोटी सी चीज़ जो इतनी मासूम थी और इतनी इनोसेंट थी अपनी तरफ से, लाइक उन लड़कों का कोई बुरा मकसद नहीं था, वो सिर्फ उसको मजाक में छेड़ रहे थे, यूँ कर रहे थे, बट हम रियलाइज़ नहीं करते कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. उन सबको अब लेने के देने पड़ गए. अगले एपिसोड में क्या होगा, अगर आपने प्रोमो देखा है तो आपको पता है, मैं नहीं बता रही आपके लिए, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, बट यस
इट इज़ हैविंग मेजर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ईच वन ऑफ देम. तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा कि एहद वफा ने एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट लिया है अनएक्सपेक्टेडली. जब हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने हमें दोबारा बोला कि भाई मैं सीरियस हूँ, आप लोग मुझे नॉन सीरियस नहीं ले सकते, आई एम स्टिल हेयर टू रूल. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एहद वफा की अपकमिंग एपिसोड्स एंड या थोड़ी सीरियस हो गई दिल में कुछ हो रहा है. सो सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून.